हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अब तक हमने चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हमने 6.1 से लेकर 6.3 तक एक्सरसाइज देखी थी। ओके, आगे जो हमारी 6.4 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी एक टर्म के ऊपर है। वो टर्म का नाम है अप्रोक्सीमेशन। व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन, पहले उसको समझते हैं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई अंडर रूट ऑफ आपको 25 निकालना है, तो आप बोल सकते हो सर हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा 5। अगर मैं बोलूं आप क्यूब रूट ऑफ 27 निकालो, तो आप निकालोगे 3। यस, ओके। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई अंडर रूट ऑफ 25.72, इसका अंडर रूट क्या है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन। ओके, परफेक्ट स्क्वायर का आप अंडर रूट निकाल सकते हो, लेकिन ऐसी कोई टर्म का आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते विदाउट कैलकुलेटर, आप नहीं निकाल सकते। ओके, तो क्या करें, तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन हमको बाय यूजिंग डेरिवेटिव मिलेगा इस चैप्टर के, जो है अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, चलिए कैसे होती है मेथड उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि भाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन एक्स, देन वाई इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वाई, ओके, करस्पॉन्डिंग एक्स, एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई में क्या चेंज हुआ, इसका डेल वाई से मैं रिप्रेजेंट करूं। ओके, तो आपको एक चीज पता होगी, मैं अगर फंक्शन कर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके, तो यहां पे फंक्शन में एक्स की जगह पे 1 रखूंगा तो वाई का कुछ आंसर मिलेगा, एक्स की जगह पे 2 रखूंगा तो वाई का कुछ आंसर मिलेगा। मीन्स एक्स में चेंज करते जा रहा हूं तो वाई में चेंज होता है। ओके, तो मैं अगर ऐसा बोलूं एफ ऑफ एक्स के अंदर मैंने स्मॉल डेल्टा एक्स से किया, मेरे फंक्शन में जहां पे एक्स का वहां पे स्मॉल डेल्टा एक्स हो, तो उसके रिस्पेक्ट वाई प्लस डेल्टा वाई मिलेगा। ये सर सिंपल सी बात है, मिल जाएगा। ओके, सिंपल बात है, ये मिलेगा। आगे अब हम क्या सोच सकते हैं कि सर अगर मैं यहां पे ऐसा सोचूं कि सर ये जो डेल वाई है वो स्मॉल चेंज इन वाई विद करस्पॉन्डिंग एक्स, ये तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स अगर मैं ऐसा सोचूं कि डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई होगा, एंड वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई को मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं। ओके, तो ये आपको स्मॉल चेंज इन वाई आपको ऐसा कुछ मिलेगा। आगे बढ़ो, आपको एक चीज पता है कि अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता हूं, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, एंड इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर आप डीवाई को, आप डीवाई को नियर अबाउट डेल्टा वाई बोल सकते हो, नॉट इक्वल टू, याद रखें डीवाई इज इक्वल टू नियर अबाउट डेल्टा वाई। ओके, लेकिन डी एक्स को आप डेल्टा एक्स बोल सकते हो, ये क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन एक्स, डी एक्स इज इक्वल चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स इक्वल स्मॉल चेंज इन एक्स, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन वाई डेरिवेटिव, डीवाई डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा, तो डीवाई नियर अबाउट डेल वाई आप बोलो। ओके, चलिए अगर मैं यहां पे डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखू, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां से, नहीं, तो डी वाई की जगह पे डेल्टा वाई नियर अबाउट इक्वल, डेल्टा वाई इज इक्वल एफ डैश, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं, इंटू इंटू यहां पे डेल्टा एक्स इंटू। ओके, इसका मैं यहां पे सर अब क्या है, अब मैं सिंपल इस वैल्यू को, इस वैल्यू को यहां इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, अभी आपको ऐसा लगेगा ये सारी मैथमेटिकली टर्म्स ही है, यहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन तो है, लेकिन इसी टर्म का यूज करके मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। चलिए कैसे, तो हम इस वैल्यू को यहां पे रख देंगे, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ
x plus delta x minus f of x. Okay, put in one. इक्वेशन टू को मैंने वन में पुट किया. अब मैं यहां से इस टर्म को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहां पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा. ओके, ये आपका फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का. और इस फॉर्मूला का यूज कैसे करूंगा ये मैं आपको सिखाऊंगा. ओके, तो ये फॉर्मूला आया कैसे वो पहले आप समझिए. ऐसे ये फॉर्मूला आया, सबसे पहले मैंने ये x के अंदर डेल्टा स्मॉल चेंज किया, तो x के अंदर स्मॉल x के अंदर डेल x ऐड किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल y प्लस डेल y होगा. ओके, तो डेल y इज इक्वल टू इस y को इस साइड लेके गया, y को मैं f ऑफ x बोल सकता हूं, तो मैंने डायरेक्टली f ऑफ x इक्वेशन पर बन गया. फिर dy by dx is equal to del f ratio of x, आप ये समझते हैं. लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि dy near about delta y लिखूंगा, dx near about dx is equal to del x. अब dy को मैंने सब्जेक्ट बनाया, dy is equal to इसको यहां पे साथ में मल्टीप्लाई किया dx को, तो डेल्टा y इज dy by dx, f ratio of x की वैल्यू dy by dx लिख सकते हो या फिर f ratio of x लिख सकते हो into del x. ओके, अब इस वैल्यू को मैंने यहां पे रखा और ये जो टर्म है उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया. तो सर ये तो फॉर्मूला है जो आपको प्रूफ मैंने कराया, कोई प्रूफ नहीं पूछेगा लेकिन इसका यूज जरूर आएगा. ओके, अब एक चीज समझ में, एक सम है तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक का एक सम है, टेक्स्ट बुक का है एग्जाम्पल नंबर, कोई एग्जाम्पल फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 21. ओके, एग्जाम्पल नंबर 21 अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, ऐसा आपको एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो फंक्शन है वो कौन से पैटर्न को फॉलो करता है. ये सपोज यहां पे कोई ये नंबर है, सपोज नंबर नहीं होता और एक्स के रूप में होता तो मैं ऐसा लिखता वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. हाँ, तो ये फंक्शन तो इसी पैटर्न को फॉलो करता है. ओके, अब अगर आपको यहां पे कुछ अलग चीजें दी है तो अलग चीज कौन कौन सी दे सकते हैं, ए बाई वन बाई टू पावर है उसकी जगह पे वन बाई थ्री पावर दे सकते हैं, वन बाई फोर पावर दे सकते हैं, टू बाई थ्री पावर. जो आप एक्सरसाइज 6.4 देखोगे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम दिए. ओके, तो ये जो पैटर्न है वो इस पैटर्न को फॉलो करे. अब आपको अब क्या सोचना है कि ये जो टर्म है 36.x वाली जो टर्म है उसके अंदर परफेक्ट अंडर उसके नियर अबाउट किसका निकल सकता है, 36.6 के नियर अबाउट. मतलब अगर आप x की जगह पे 36 लिखोगे, x की जगह पे आप 36 लिखोगे तो इसका अंडर परफेक्ट निकल जाएगा. ओके, एंड 36 के अलावा और क्या ऐड हो रहा है, 0.6 तो मेरा डेल्टा x हो जाएगा. तो इन शॉर्ट ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन अगर आप लिखना चाहो तो f ऑफ, अगर f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखना चाहो तो वो कुछ ऐसा बनेगा अंडर रूट में x प्लस डेल्टा x या फिर अंडर रूट में 36.6. आप समझ सकते हो इस चीज को. ओके, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, ये पैटर्न कौन सी बन रही है फंक्शन की, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x वाली पैटर्न बन रही है. फिर ये जो 36.6 वाला नंबर है उसमें से ऐसा इसके नियर और कौन सा नंबर जिसका परफेक्ट अंडर रूट निकल सकते, यहां पे अंडर रूट क्यों निकाल रहे हो क्योंकि 1/2 पावर थी. अगर 1/4 पावर की होती तो फोर्थ रूट इसके नजदीक वाले का निकलता. ओके, 1/3 पावर की होती तो क्यूब रूट इसके नजदीक में किसका निकलता है वो मैं सोचता. यहां पे आ रहा है x इज इक्वल टू 36, क्यों 36 क्योंकि इसका अंडर रूट निकल सकता है 36. और 36 के अलावा ये नंबर बनने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा, 0.6 ऐड करना पड़ेगा. तो 36 में 0.6 ऐड किया तो 0.6 में डेल्टा एक्स हो जाएगा क्योंकि 36 में थोड़ा सा चेंज, एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज मतलब डेल्टा एक्स. ओके, चलिए अब आपको एक फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल f ऑफ x प्लस dy by dx इनटू डेल्टा एक्स. ओके, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy by dx इनटू
डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये फॉर्मूला आपको यूज में आएगा। चलिए अब मुझे इस फॉर्मूला के लिए कौन कौन सी चीजें, पहले तो dy by dx करना पड़ेगा। हाँ, इसी फंक्शन का dy, तो यहां पे लिखता हूं dy by dx करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। अब आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि भाई अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। फिर f of x की वैल्यू क्या होगी, ये इसको मैं f of x ही बोलूंगा। हाँ, ये f of x ही। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 36 होगा तो x की वैल्यू 36 है ना। हाँ, तो मैं अंडर रूट में 36 मतलब क्या लिख सकता हूं, 6। ओके, तो यहां पे आंसर रखेंगे, वैल्यू रखेंगे सॉरी, तो x प्लस मतलब 36 प्लस 0.6 इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब अंडर रूट में 36 लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्लस dy by dx 1 अपॉन 2 अंडर रूट x आता है यहाँ पे, अंडर रूट x, और x की वैल्यू तो आपको पता है 36 है, तो यहाँ पे अंडर रूट में 36 इंटू डेल्टा x क्या मैंने निकाला है 0.6। ओके, ये क्वेश्चन में दिया है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करोगे, 6 प्लस 1 बाई 2 इंटू 6 इंटू 0.6 को मैं 6 बाई 10 लिख सकता हूं। हाँ, ये 6 कैंसिल। ओके, नाउ अब हम क्या करें, अब मैं ये सोचूंगा कि 1 अपॉन 20 को मैं क्या लिखूंगा, 6 प्लस 1 बाई 20, 1 बाई 2 मतलब 0.5 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो 0.05 इज इक्वल टू 6.05। ये मेरा क्या हो गया, f ऑफ 36.06, या फिर इसको अंडर रूट में 36.06 भी बोल सकता हूं, आंसर आ गया 6.05। ओके, ये आपका डायरेक्टली आंसर हो। ओके बेटा, तो ऐसे ही सब आपको 6.4 एक्सरसाइज के अंदर मेजोरिटी सम, मेजोरिटी क्या, पहले कुछ 12 या 13 सम ऐसे ही 13 सम। ओके, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 देखू तो 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों इसी के मैथ, इसी जैसा है, इसी के जैसा है। ओके, पहले में अंडर रूट 25.3 दिया है, दूसरे में अंडर रूट में 49.5 दिया है, तीसरे में अंडर रूट 0.6 दिया है। चलिए करते हैं। ओके, सिर्फ यहीं पे चेंज होगा और यहां पे चेंज होगा। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 6.4 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा। देखिए, मुझे दिया अंडर रूट में 25.3। ओके, चलिए पूरा का पूरा सब इसी मेथड से करेंगे। चलिए, तो ये पैटर्न कौन सी है, अंडर रूट में कोई कॉन्स्टेंट नंबर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट x वाली पैटर्न है। हाँ, तो मैंने पहले पैटर्न लिखी। अब मैं x एंड डेल्टा x फाइंड करूंगा, तो कौन से ऐसे नंबर, इसके नजदीक में कौन सा ऐसा नंबर जिसका अंडर रूट पॉसिबल, तो x इज इक्वल 25। डेल्टा x क्या आएगा, डेल्टा x आएगा 0.3। ओके, क्यों 0.3, क्योंकि 25 के अंदर 0.38 करूंगा तो 25.3 बनेगा। हाँ, वही तो मुझे क्वेश्चन में दिया है। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू अंडर रूट में 25.3। ओके, तो याद हो गया, डेरिवेटिव आपको पता है। अब ये फॉर्मूला के अंदर आपको वैल्यू रखनी, तो f ऑफ x मतलब 25 प्लस डेल्टा x मतलब 0.3 इज इक्वल टू f ऑफ x मतलब क्या होता है, आपको फंक्शन अंडर रूट x है वहां पे x नहीं लिखा, बट अंडर रूट में 25 लिखना है, ये अंडर रूट में 25 प्लस dy by dx 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 25 इंटू डेल्टा x, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3, ये हो गया 0.3। ओके, यहां पर मैं करूंगा 5 प्लस 1 बाय, ये कितना हो गया 2 इंटू 5 इंटू यहां पर 3 बाय 10। ओके, 3 बाय 10। चलिए, अब आपको क्या करना है बेटा, 5 प्लस यहां पर 3 बाय 100 हो गए। हाँ, तो ये मुझे आंसर मिलेगा 5 प्लस 0.03, तो मुझे आंसर मिलेगा 5. यहां पे लिख रहा हूं f ऑफ 25.3 इज इक्वल टू, मुझे आंसर क्या मिलेगा 5.03 इज द राइट आंसर। ओके, अंडर 25 होगा तो 5 आएगा,
अंडर रूट में 25.3 होगा, तो मुझे 5.03 मेरा आंसर मिलेगा। ओके, आप लोग समझ सकते हो इस सम को। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अंडर रूट में 49.5, तो आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको x मिलेगा 49 एंड डेल्टा x मिलेगा 0.5। पूरा का पूरा सम एस इट इज एंड इट इज इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड फोर्थ दोनों। जब भी आपको पॉइंट वाले सम किए होंगे आप जरा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, लेकिन कंफ्यूजन जरा भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सम को आगे कैसे बढ़ाने वो सोचो। मुझे यहां पे 0.6 दिया है, उसका मुझे अंडर रूट निकालना है, तो मैंने यहां पे y इक्वल टू अंडर रूट x, मतलब पैटर्न फंक्शन की कौन से अंडर रूट x वाली। ओके, मैं ये चीज जानता हूं कि इसको मुझे 0.6 के सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है। तो अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 0.64, हाँ 0.64 परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट निकल सकता है, 0.64 का परफेक्ट अंडर रूट निकलेगा। ओके, एंड अगर मुझे 0.6 लाना है बाय यूजिंग दिस, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा x इज इक्वल टू -0.04 लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आप इस फंक्शन के साथ कंपेयर करो तो अंडर रूट में x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू अंडर रूट में 0.64 -0.04 लिखोगे तो आपको आपका क्वेश्चन मिल जाएगा 0.6 आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर मैंने फाइंड किया x मुझे 0.60 देना है, डेल्टा x मुझे 0.04 देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा फॉर्मूला है f(x) + Δx is equal to f(x) + dy/dx into del। ओके, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट x1। यहां पे f(x) दिया है। ओके, अब f(x) में मैं अंडर रूट में x की जगह पे 0.64 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट में 0.64 लिखूंगा तो 0.8 मिलेगा नीचे से, प्लस dy/dx मतलब 1/2 अंडर रूट में 0.64 इनटू डेल्टा x, डेल्टा x मतलब -0.04। ओके, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा 0.8 प्लस 1/2 इंटू 0.8 इंटू -0.04, ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए ऐसे नंबर को सॉल्व कैसे करें, ओके, विदाउट कैलसी कैलकुलेटर होगा तो आप कर ही सकते हो। माइनस को बाहर निकालो, 0.04 को मैं 4/100 लिख सकता हूं, यस, यहां पे 2 था, 0.8 को 8/10 लिखूंगा तो 10 ऊपर चले। ओके, ये दोनों कट हो गया, यहां पे आ जाएगा 2, तो मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है 0.8 -1/400 देखिए। ओके, 1/400 आपको 40 मिलेगा, सो 2 × 2 = 4, 4 × 10 = 40। अब ऐसे नंबर को 1/40 में कैसे 1/4 × 1/10 लिख सकता हूं इस नंबर को, हाँ 1/4 मतलब 0.25 के डिवाइड में है 10, तो मैं लिखूंगा 0.025, सीधी सी बात। ओके, तो आपको क्या करना है, 0.8 -0.025 करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, देखो 0.800 में से आप ऐसा 800 में से मुझे 25 को माइनस करना, तो 775 मिलेगा, तो मेरा आंसर आएगा 0.775। ओके, ये आपका क्या हो गया आंसर, 0.775 आपका परफेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आपका अंडर रूट 0.6 क्या आएगा, 0.775 ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको देख के ये लगेगा कि सर 0.009 की पावर 1/3 आपको दी गई है। ओके, तो यहां पे इसके नजदीक वाला ये फंक्शन बने, इसके नजदीक वाला कौन सा परफेक्ट क्यूब बनता है, तो 0.008 अगर आप सोचो तो
8 का परफेक्ट क्यूब, 8 का क्यूब रूट होता है 2 होता है, ओके। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई x इज इक्वल टू 0.008 डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001। अब इन दोनों का एडिशन करें, अगर इन दोनों का एडिशन करें तो 0.009 मिलेगा, हाँ मिलेगा सर, ओके तो कर सकते, ओके आगे बढ़े। अब मैं इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है इस, तो यहां पे एक्सप्रेशन में पहले पावर आ गई, एक पावर का मतलब x की 1/3 माइनस 1 तो मुझे क्या मिलेगा x की 2/3 पावर होगी, लेकिन ये सी माइनस, तो यहां पे आएगा 1/2 और सॉरी 1/3 x की पावर 1/1 - 3/3 तो -2/3, ओके मेरा फॉर्मूला यही है। तो इसी फॉर्मूला को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, यहां पे फॉर्मूला दिया है, यहां पर मैं लिखूंगा f ऑफ 0.009, ओके इज इक्वल टू f ऑफ x मतलब अंडर रूट में 0.008। चलिए ये निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको सीखा होगा, यहां पे क्यूब रूट लिखना पड़ेगा ना, हाँ क्यूब रूट लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्यूब रूट में दिया है, प्लस 1/1/3, ओके 1 ये dy/dx लिखना है, तो यहां पे 1/3 1/x^2/3 सकता हूं इनटू डेल्टा x मतलब क्या होगा 0.00 होगा, एंड x की वैल्यू मुझे लिखनी है आपको पता है। एक चीज जरा समझ लो, अगर मैं काम करूंगा 0.2 × 0.2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए तो 2/10 × 2/10 इज इक्वल टू 4/100, तो मैं लिख सकता हूं 0.04। 0.2 का मैंने स्क्वेयर ही किया ना, हाँ स्क्वेयर किया, यहां पे पॉइंट के बाद एक नंबर था, स्क्वेयर किया मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर था, अगर मैं और एक बार करूंगा × 0.2 करूंगा, ओके तो यहां पे क्या आएगा 0.008 आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर आप 0.2 का क्यूब करते हो तो पॉइंट के बाद एक नंबर है 0.008 आ जाएगा, क्यों क्योंकि क्यूब है, अगर फोर्थ पावर करोगे तो 0.000 जो भी नंबर है, मतलब पॉइंट के बाद उतने नंबर आते हैं जितना पावर हो, ये आपको समझ में, ओके आगे बढ़ते हैं। मुझे यहां पे क्यूब रूट निकालना है इसका, तो मैंने क्या किया बेटा, देखो क्यूब रूट निकालना है, मैंने 0.2 का जब क्यूब किया तो ये नंबर आया, तो इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो 0.2 आना चाहिए, हाँ सीधी सी बात है, क्यूब रूट निकालेंगे तो 0.2 है, ओके। अब प्लस 1/3 × ये 1/1, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां पर पहले देखो x लिखना है मतलब 0.008 का पहले 1/3 क्यूब रूट निकालना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है × 0.001, ओके जरा समझना, ये तो आपको पता चल गया है 0.008 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 0.2, ये 0.2 प्लस 1/3 इंटू 1/0.2, ओके। अब उसका स्क्वायर है, तो 0.2 का स्क्वायर है तो 0.04 आएगा, अभी मैंने आपको निकाल दिया, ओके 0.04 आएगा इंटू 0.001, ओके चलिए 0.2 प्लस 1/3 इंटू ये 1/4 है, तो 0.04 को 4/100 लिख सकता हूं, 100 का ऊपर यहां पे 1/1000 आ जाए, ओके ये दो गया दो गया, तो मुझे क्या मिला 0.2 प्लस यहां पे 1/120 आपको मिल जाए 1/120, ओके। चलिए सर इसके बारे में क्या सोच चुका है, 0.2 + 0.2 + 1/120 अगर आप निकालोगे बच्चे तो 1/120 मुझे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखना है, तो वो क्या है यार, चलिए यहां पर निकाल दें, तो यहां पे 0.28 इज द राइट आंसर।
ओके 0.28 आपका 0.008 होगा, सॉरी 0.208 आपका राइट आंसर। ओके इसका डिवीजन करना है, डिवीजन करने के बाद आप क्या करोगे, आप 0.008 को 0.2 के अंदर एड कर दो तो 0.208 आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये पैटर्न कौन सी है कि भाई x की पावर 1/10 वाली पैटर्न। देखो जब भी ऐसी कोई अजीबो गरीब पावर आ जाए तब आपको 1 का यूज करना है क्योंकि 1 की कुछ भी पावर 1 होती है। ओके तो यहां पे लिखूंगा इसको पहले डिवाइड बाय x निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू पावर आगे 1 पावर का मुझे 1/10 इंटू एक्स की पावर -9/10 मिलेगा। ओके यहां पे एक्स इज इक्वल टू 1 लिखूंगा एंड डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स मतलब 1 में से इसको माइनस करो तो ये आएगा, तो 1 में से 0.001 को माइनस करो तो 0.999 अदरवाइज क्या सोचोगे 0.999 के अंदर 0.001 एड करो, 0.001 एड करेंगे तो यहां पर 0 यहां पर 1 0 यहां पर 1 तो 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है कौन सही। ओके चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, ये मैंने एक्स निकाल के दिया, डेल्टा एक्स निकाल के दिया तो डेल्टा एक्स वाला टर्म क्या होगा, डेल्टा एक्स वाला टर्म नेगेटिव होगा क्योंकि 1 में से इतना माइनस करूंगा तो ये आएगा। ओके तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपको मिल गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1-0.001। चलिए आगे बढ़े, अब फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डीवाई बाई एक्स इंटू एफ रेशियो सॉरी डीवाई बाई एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो अगर आपको आपके इक्वेशन में ये एक्स की पावर 1/10 है तो अंडर उसमें सॉरी 1 की पावर 1/10 करना पड़ेगा प्लस डीवाई बाई डी एक्स क्या है, तो तुम्हें 1/10 इंटू 1/1 की पावर 9/10 लिखना पड़ेगा। ओके यहां पे सिर्फ इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा माइनस में 0.001 ये 1 बना। ओके प्लस 1/10 बनेगा, यहां पर माइनस कर देता हूं ठीक है, इंटू ये 0.1/1000 रहेगा बेटा, यस सर राइट है ये 10 0.001 0.001 को 1/1 करो ये 1-1/10000 हो जाएगा। ओके तो ये क्या मिलेगा 1-0.000। ओके इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.9999 ये आपका आंसर होता है। इसका अगर 1/10 पावर निकालोगे तो ये आपका आंसर, आप ऐसा समझिए देखो ये नियर अबाउट 1 हो सकता है, ये नियर अबाउट 1 होगा तो नियर अबाउट 1 की 1/10 पावर 1 ही आएगा, ये भी नियर अबाउट 1 ही है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो ये अगर नियर अबाउट 1 लोगे तो इसका 1/10 पावर इज इक्वल टू 1 ही आएगा या फिर ये नंबर। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये पैटर्न कौन सी बनी, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 बनी। अब आगे फोर्थ रूट आपको निकालना है, इसके नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है, सर 16 होगा। देखो 2 × 2 × 2 × 2 करो 2, 4, 8, 16 ओके तो 2 की पावर 16 करोगे तो यहां पे 16-1 करोगे तो आपको x प्लस डेल्टा x मिलेगा, यस सर। ओके ये सब आपको खुद से ट्राई करनी है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, ठीक है पावर आगे 1 पावर का होता 1-1/4 -3/4। ओके अब क्या करोगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको x मिल गया है 16, आपको डेल्टा x मिला है माइनस, कैसे सोल्व करोगे, तो सर ऐसे ही आपको इस सब को सोल्व करना। ओके तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और एक एग्जांपल आपको कराया। ओके तो आगे इसी मेथड के सब है,
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए प्लीज नोट इट डाउन।